प्रेरणा कथा राज मिस्त्री। वो एक राज मिस्त्री मकान बनाने वाला है। दिन भर ईंटों पर ईंटें जोड़कर दीवारें उठाकर वो अपनी जीविका कमाता है। प्रतिदिन वो बहुत ही सावधानी से ईंटें, गारा, सीमेंट इत्यादि लगाकर दीवारें, खिड़कियां, छत और आंगन इत्यादि बनाता है। वो कभी घर बनाता है, कभी विद्यालय, कभी प्रार्थना कक्ष, तो कभी कब्रों पर पत्थर लगाता है। गिरी हुई दीवारों को फिर से उठाना, टूटे हुए घरों की मरम्मत करना इत्यादि सब उसके काम है। वो चीज़ों को जोड़ता है, आकार देता है, उनको समतल बनाता है और कभी कभी नमूने भी बनाता है। हर शाम वो शहर के दूर लहलाते खेतों में से होता हुआ गांव में अपने घर की तरफ चल देता है। उसका घर गांव के बिल्कुल दूसरे किनारे पर है, एक सामान्य सा घर। दिन भर की थकान उसके माथे और चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। जब वो हर शाम अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है, उसके शरीर का दर्द उसके खड़े होने की स्थिति से ही दिखता है। दरवाजे पर दो प्रकार के रंग लगे हैं। उस घर में छह कमरे हैं, परंतु वो अब दो भागों में विभाजित घर है। घर का आधा भाग उसके भाई का है। एक बड़ी सी रसोई है जिसमें दो चूल्हे हैं, दो अलग अलग प्रकार के खाने बनते हैं। परिवार तीन तीन कमरों में विभाजित है, परंतु होली, दिवाली, तीज और रक्षाबंधन दोनों घर एक साथ ही बड़े से आंगन में मनाते हैं। इसके सिवा घर के उन दो हिस्सों में प्रेम या खुशी का आदान प्रदान अब नहीं होता है। दो परिवार छोटे छोटे झगड़ों के कारण ही अलग हो गए थे। कुछ कानूनी दिक्कतें हुई, परंतु सब मिला लिया गया। जब दो घर इकट्ठे थे तो जमीन भी बड़ी थी और सब इकट्ठे मिलकर रहते थे और एक ही रसोई में खाना पकता था। हर शाम वो राजमिस्त्री अपने छोटे भाई की छोटी बेटी को आंगन में खेलते हुए देखता है। उसको देखकर वो गुड़िया की लड़की खुशी से नाचने लगती है। वो उसकी तरफ दौड़कर आना चाहती है, परंतु दोनों घरों के बीच की अदृश्य रेखा उसको रोक देती है। बीच में उसका हिस्सा और उनका हिस्सा आ जाता है और वह लकीर पार नहीं करता है। उस बच्ची को भी मालूम है। वो खेलते खेलते तुरंत अपने हिस्से वाले घर में चली जाती है और राजमिस्त्री अपने कमरे में चला जाता है। वो रोज रात को सोने से पहले घंटों सोचता है। वो चीज़ों को जोड़ता है, घरों को बनाता है और लोगों को पास लाता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि उसके टूटे हुए घर को कौन जोड़ेगा। मित्रों, यही है विडंबना इस जीवन की। परिवार टूट जाने के बाद दिल में जो टीस उठती उठ जाती है, उसका दर्द बयान नहीं होता। औरों को मिलाने और औरों के घर बनाने वाले कितने ही राजमिस्त्री या ऐसे लोग जो घर या परिवार को मिलाते हैं, अपने टूटे हुए घरों को कभी जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।